हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी। माय नेम इज़ फल्गुनी बारोड। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब फाइन होंगे। अभी आपने दिवाली की छुट्टियां मनाई होगी, बहुत मज़े किए होंगे दिवाली में, है ना। फटाके भी फोड़े होंगे आप लोगों ने और नए साल की शुरुआत भी हो गई है हमारे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभेच्छाओं। तो स्टूडेंट, आज से हम सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक है, जो टेक्स्ट बुक में हम सेमेस्टर 2 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो ओपन योर चैप्टर 9 स्टूडेंट, न्यू सेमेस्टर ओपन करना है हमें। ओपन योर चैप्टर 9। तो स्टूडेंट, चैप्टर 9 कैसा शोर, चैप्टर का नेम है कि ये कैसा शोर है। तो हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा और साथ में पढ़ते भी रहिए। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो यह पाठ में संवाद के बातचीत के साथ सब्जियों का परिचय दिया गया है कि कौन सी सब्जी है। ओके, तो आप खेतर का एक चित्र है, ये खेत का चित्र है। देखो यहाँ पे कोई एक सुआ हुआ है जो खेत का मालिक लग रहा है, तो ये खेत है। तो हम आगे पाठ में पढ़ते हैं तो फिर हमें जानने को मिलेगा ये कौन है। ओके, तो सुनिए स्टूडेंट, बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियाँ बोई थी। तो ये है स्टूडेंट बिरजू चाचा, जो खेत में सब्जियाँ उगाई थी। तो दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, यहाँ पे चैप्टर में देखो, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। तो चित्र में आपको साथ में उसको लेना है पढ़ाई में। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे हुए थे, लेटे थे और उन्हें नींद आ गई। दोपहर का समय था तो बिरजू चाचा ने खाना खाया होगा, तो उन्होंने थोड़ा लेटने का सोचा होगा। तो थोड़ा पेड़ की छाया में वो लेटे थे तो उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आए। अब नोकझोंक पर उतर आई मीन्स कि नोकझोंक करना तो उग्र चर्चा करना। क्या करना? उग्र चर्चा, मतलब कि जोर जोर से सब बातें करने लगी। अब खाली जगह ने ये क्या है, आलू। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। अब सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। उसने में ये आलू सबसे पहले बोला कि मैं सब सब्जियों का सरताज हूँ, मेरे बिना सभी सब्जियाँ अधूरी है, क्योंकि मोस्टली सब सब्जियों में आलू पड़ता है। अब बच्चों बूढ़ों को में भी वह बहुत भाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी आलू बहुत पसंद है। अब चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। आलू क्या कहता है कि ये सब चीज़ें हैं जो मुझसे ही बनती है। उसमें ये क्या है, शकरकंद। तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आलू, मैं भी आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब तब से बेल से क्या हुआ, ये बेला होता है ना, ये हाँ, बेल से मटर उछलकर बाहर आ गए। बेल होती है ना, बेल, हाँ वही बेल जो अपने बेल पे वो सब उगते हैं। तो मटर उछल से बाहर आ गए। तो उन्होंने कहने लगे कि हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। मटर ने बोला कि हमें क्यों भूल गए, कि हम भी कचौरी में और पुलाव में, चटपटी कचौरी में की जान है, क्योंकि उनमें भी
मटर पढ़ते हैं। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? तो लौकी बोली, गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। तो नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर क्या है ये कोबिज यह सुनकर कोबिज आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। अब यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट कि यहाँ पे सब सब्जियाँ एक दूसरे से बातें कर रही है और बातें करते करते अपना परिचय और अपना महत्व दिखा रही है कि मैं कौन सी सब्जी हूँ, मैं कहाँ पे यूज़ होती हूँ और उसका क्या महत्व होता है। तो आपने देख लिया कि भाई आलू, तो आलू सब सब्जियों का सरताज है क्योंकि आलू सब में मोस्टली सब सब्जियों में पड़ता है। उसके बाद शक्करकंद, तो आलू का मित्र कौन है? तो शक्करकंद आलू का मित्र है। फिर सलाद किससे बनता है? तो गाजर, कोबीज, सबसे बीट, सब जगह से सलाद बनता है। फिर हलवा किस किस का बनता है? तो लौकी और गाजर का हलवा बनता है। ठीक है, यहाँ पे फिर बोलते हैं कि पुलाव और मटर और आलू किस किस में पड़ते हैं? तो पुलाव में, अन्य प्रकार की सब्जियाँ में, कचौरी में, सब जगह में आलू और मटर पड़ते हैं। आलू की कितनी कितनी चीज़ बनती है? तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया, चटपटी मज़ेदार खाने की चीज़ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे सुनते हैं स्टूडेंट, और लास्ट लाइन है, तो ये क्या है अब नया? मिर्ची, मिर्ची पीछी क्यों रहे? अब आगे ध्यान से सुनिए, मिर्ची पीछे क्यों रहे? तो ये वह भी कहने लगी, सभी चुप रहो, चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। अब सबने बातें की तो भी मिर्ची भी आगे आएगी ना। हाँ, तो मिर्ची भी बोली कि भाई सब चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, अगर मैं ही ना हूँ तो आप सब्जियों का स्वाद ही ना आए, मेरे बिना सभी सब्जियां क्या है, फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। अब ये क्या आया नया? भिंडी, तो भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? तो वह भी बोल उठा, वह भी बोलने जा रहा था तो बीच में टमाटर ने उसके बीच में ही रोक दिया। हैं, आपको भी मजा आ रही होगी स्टूडेंट। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर को उसने बीच में ही रोक दिया। तो तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग में ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। अब ये नया शब्द आया है ज्वर, तो ज्वर जैसा मतलब कि बुखार जैसी चीज़ में, जैसे नहीं बीमार होते हैं लोग तो करेले का जूस पीते हैं। तो करेला बहुत भले कड़वा लगता है मगर वो भी फायदेकारक है आरोग्य के लिए, करेला भी अच्छा है। और टमाटर भी बोलता है कि खट्टा मीठा होता हो ना, मैं तो मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो फिर वो करेला क्या बोलता है कि सिर्फ रूप रंग में ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियों में ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। तो करेला भी बहुत उपयोगी है। आखिर में कलंगीदार बैंगन आया, उसने सभी को शांत करवाया, कहा, दोस्त आप सबने अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। भाई सब बात कर रहे हैं तो सब एक दूसरे को भी सभी अपने अपने स्थान पर सही है और मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अब आगे देखिए, ये क्या है? बीट, गाजर, कोबीज, लौकी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लज्जतदार होता है। अब ये सबसे क्या बनता है? कचुम्बर। अब वापस क्वेश्चन है कि भाई कचुम्बर किस किस से बनता है? तो बीट, गाजर, कोबीज, ककड़ी
और शिमला मिर्च से बनाया हुआ मिलाकर बनाया हुआ कचुंबर लज्जतदार होता है। उसके बाद आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। फिर यह क्या है, मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। अब आगे सुनो स्टूडेंट, इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए और भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। अब बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गया। अभी देख लास्ट में देखो, लास्ट में भी थोड़ा बहुत बताया है कि भाई सब्जियां इधर उधर भागने लगी। जैसे कि अब बेलों पर कौन सी सब्जियां उगती है, तो लौकी, करेला, ककड़ी वो सब बेलों पर उगती है। फिर ज़मीन के अंदर कौन सी सब्जियां होती है, तो शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ये सब ज़मीन के अंदर होती है। और पौधे के कौन सी सब्जियां होती है, तो भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर वो सब अपने पौधे पर उगते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का होमवर्क आपको, सॉरी आज ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपको भी घर में एक बार आपको सबको सुनाना है ये, और आपको रीडिंग करना है। उसके बाद में आपकी हिंदी की नोटबुक CW में आपको ये चैप्टर 9 का हेडिंग डालना है, आज की डेट और डायमेंशन करनी है। ठीक है, तो आपको ये सवाल होगा कि भाई नवी न्यू नोट बनानी है, नहीं जो आपकी सेमिस्टर वन की जो नोट चल रही है रेगुलर, वहीं पे आप जहाँ पे पहुँचे हो वहाँ पे SA2 का, सेमिस्टर 2 का बड़े से हेरिंग डालिए। फिर उसके बाद न्यू पेज पर आज की डेट और डे मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको चैप्टर 9 कैसा शोर हेरिंग डालना है और डेट और डैम डालना भूलना नहीं है स्टूडेंट। ओके, फिर उसके बाद चैप्टर 9 के सास और हेरिंग डालने के बाद आपको सामने वाले पेज पे स्टूडेंट देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं, तो ये शब्दार्थ आपको आपकी CW में लिखना है और ये मुहावरे भी आपको आपकी CW में लिखना है। ओके, उसके बाद जो स्वाध्याय है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी, तो वर्कबुक में से लिखने के बाद आपको मैं आपकी टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय टिक करवाऊंगी। ओके, तो आज तक आज का होमवर्क ओनली फॉर आपको हेडिंग डालकर शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं और साथ में लर्न करना है और चैप्टर रीडिंग करना है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे हेल्थ, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।